हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लॉगरिथम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो निमसेट में पूछे जा चुके हैं उसके बारे में 1-to-1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको अगर आप डीप में समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को देखिए ताकि लॉग का आपका बेसिक जो फॉर्मूला है, बेसिक जो लॉ है, थ्योरम्स है, वो आपका पहले क्लियर हो जाए, तभी आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। अदरवाइज अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखते हैं तो क्या होगा कि आपको लॉज का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा और आप क्वेश्चन को उतने अच्छे से ग्रेस्प नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप प्रीवियस वीडियो को देखिए, उसके बाद आज के लेक्चर पे आप आइए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ उसमें दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू 0.36 लॉग बेस है इसका 0.25 1/3 स्क्वायर, ये सारा नंबर में दिया हुआ प्लस सो ऑन, ये इन्फाइनाइट टर्म जनरेट कर रहा है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका आ चुका है निमसेट 2008 का क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले हम इस सीरीज की बात करते हैं। ये जो सीरीज दिया हुआ है ना, ये सीरीज है आपका 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर एंड सो ऑन, इनफाइनाइट टर्म दिया हुआ है, ठीक है। किस चीज का सीरीज है ये? जीपी का सीरीज है। आप कहेंगे सर जीपी कैसे पता चला, तो इसमें देखिए नेक्स्ट टर्म कितना है 1/3 स्क्वायर अपॉन प्रीवियस टर्म कितना है 1/3, ये कट गया तो कितना आपके पास बच गया 1/3। ऐसे ही अगला आप नंबर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, अगला नंबर हो जाएगा 1/3 का क्यूब। तो 1/3 के क्यूब में आप अगर डिवाइड करेंगे 1/3 के स्क्वायर से तो ये आपका कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। और इसको क्या कहते हैं आप, इसको कहते हैं कॉमन रेशियो, ठीक है। यहाँ पे पहला टर्म क्या दिया हुआ है 1/3 दिया हुआ है ना। पहला टर्म को ए से डिनोट करते हैं, कॉमन रेशियो को सी आर लिखे आप, जनरली आर से डिनोट किया जाता है। अब इसका सम है तो एस इनफाइनाइट का फॉर्मूला होता है जीपी में ए बटा 1 - r, ए का वैल्यू कितना है 1/3, r का वैल्यू कितना है 1/3, तो 1 - 1/3 हो गया, तो ये हो गया 1/3 अपॉन, इसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिए कितना हो जाएगा 3 - 1, तो ये हो जाएगा आपका 2/3, है ना। तो ये 1/3 इंटू, इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो रिवर्स कर जाएगा 1/2, ये कट गया कितना आ गया आपका, ये 1/2 आ गया। किसका फॉर्मूला है ये, जीपी का फॉर्मूला, इनफाइनाइट जीपी का, ठीक। चलिए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा, सबसे पहले आपके पास दे रखा है 0.36 log 0.25 और इसका जब हम कैलकुलेशन किए तो कितना आ गया ये 1/2 आ गया, तो ये हो जाएगा 0.36 log 0.5 होगा 1/2 का वैल्यू, है ना। और ये क्या है आपका 0.5 का होल स्क्वायर है। हम एक चीज़ आपको बताए हुए थे, क्या बताए हुए थे कि अगर बेस का कुछ भी पावर होता है तो बाहर इसका रिवर्स करके निकलता है, जैसे ये 2 है तो बाहर क्या निकलेगा, बाहर 1/2 निकल जाएगा। तो ये 1/2 लॉग, नंबर भी 0.5, बेस भी 0.5, ये 2 से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बच जाएगा 0.18 इंटू, अगर लॉग किसी लॉग का नंबर और बेस सेम है तो वैल्यू 1, तो आंसर कितना हो गया 0.18 हो गया। ये काफ़ी एक आसान सा क्वेश्चन है। जनरली अगर देखा जाए तो लॉगरिथम से हर साल क्वेश्चन निमसेट के एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, जो बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं। कभी कभी लेंथी क्वेश्चन पूछता है ना, बट वो भी अगर आप अच्छे से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो भी आपका अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आप लॉगरिथम को अच्छे से पढ़ें, 1 या 2 क्वेश्चन जो निमसेट में आप आसानी से सॉल्व कर ही लेंगे, क्लियर। चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी लॉग बेस है 3 और नंबर में दे रखा है x+2 × x+4 प्लस लॉग बेस है 1/3 नंबर है x+2 लेस देन 1/2 लॉग बेस में है √3 और नंबर में है 7। ये जो क्वेश्चन है ये आपका पूछा जा चुका है निमसेट 2011 और 2019, 2 साल ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, एक भी सिंगल डिजिट भी चेंज नहीं है, ठीक है। और 9 और 10 में लॉग का कोई भी क्वेश्चंस नहीं आया था, इसीलिए हम डायरेक्ट चलते हैं 2011 के क्वेश्चन पे, क्लियर। अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें ना, तो इस क्वेश्चन में 2 बातें कह रही है आपकी। पहला तो ये आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप, लॉग का जो बेस होता है, सॉरी लॉग का जो नंबर होता है ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, क्योंकि लॉग पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन है, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, x+2 और x+4 एक ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, एंड यहाँ से इस केस के लिए क्या हो जाएगा, x+2 ग्रेटर देन
जीरो आ जाएगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आप जानते हैं निकालने के लिए, इधर इन्फानाइट इधर माइनस इन्फानाइट, ये जब करेंगे x को 0 के इक्वल तो कितना हो जाएगा माइनस फोर, इसको जब 0 के इक्वल करेंगे तो माइनस टू। नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दीजिए, प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन 0 है तो ये हो जाएगा x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस फोर यूनियन माइनस टू से इन्फिनिटी। अगर हम इस केस के लिए चलेंगे तो क्या हो जाएगा, इस केस के लिए हो जाएगा आपका x ग्रेटर देन माइनस टू, डैट इम्प्लॉयज x जो बिलोंग करेगा आपका कहाँ से माइनस टू से इन्फिनिटी। अब इस दोनों में अगर हम कॉमन देखेंगे ना, तो ये कह रहा है माइनस इन्फिनिटी से फोर यूनियन माइनस टू से इन्फिनिटी, ये कह रहा है x बिलोंग्स टू माइनस टू से इन्फिनिटी, तो कॉमन सॉल्यूशन क्या हो गया, यहाँ से कॉमन सॉल्यूशन दोनों का हो गया x बिलोंग्स टू माइनस टू टू इन्फिनिटी। ये क्लियर है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। ये तो पहला कॉन्सेप्ट आपका हो गया, दूसरा देखते हैं अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपका दिया हुआ है log 3 x प्लस टू एक्स प्लस फोर प्लस, तो प्लस डाल देंगे, यहाँ 1/3 दिया हुआ, आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log 3 की पावर माइनस वन, रिवर्स में लिख सकते हैं, और ये नंबर क्या हो गया आपका x प्लस टू हो गया, लेस देन है तो लेस देन, अब ये 1/2 है तो 1/2 आप रहने दीजिए, है ना। log नंबर क्या है इसका 7 है, बेस कितना है रूट थ्री को आप क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2, ये आपका हो जाएगा log 3 एक्स प्लस टू एक्स प्लस फोर, अब बेस का पावर है तो बाहर रिवर्स करके निकलता है, तो ये प्लस माइनस क्या कर देगा, इसको माइनस कर देगा, ये हो जाएगा log 3 और यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस टू लेस देन, अब देखिए यहाँ से ये बेस का पावर कितना है 1/2 है, बाहर क्या निकलेगा 2, तो 1/2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आपका ओनली क्या बच जाएगा log 3, और यहाँ बेस में log 3 है और नंबर में आपका 7 है, ये log सेम बेस पे माइनस में है, तो क्या होता है फॉर्मूला m बाय n का कॉन्सेप्ट है, तो x प्लस टू कट जाएगा, यहाँ से आपका क्या बचेगा ओनली x प्लस फोर बचेगा, लेस देन क्या बचेगा log 7 बचेगा, बेस सेम है। ठीक है, अब आप यहाँ से एक चीज़ कर सकते हैं, log देखिए सेम बेस पे दोनों तरफ है, तो log को आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो x प्लस फोर क्या हो जाएगा लेस देन 7, और x लेस देन क्या हो जाएगा 7 माइनस फोर, ये 3 हो जाएगा, मतलब यहाँ से क्या आया कॉन्सेप्ट आपका x बिलोंग्स टू, x छोटा है कहाँ से 3 से, तो वैल्यू आपका क्या हो जाएगा माइनस इन्फानाइट से 3, और एक आपका सॉल्यूशन ये भी आया हुआ है माइनस टू से इन्फिनिटी, तो हम फाइनल सॉल्यूशन निकालते हैं, फाइनल सॉल्यूशन इज, फिर आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है, इधर इन्फानाइट इधर माइनस इन्फानाइट, पॉइंट देखिए आपके पास क्या क्या है, एक माइनस टू है और एक 3 दिया हुआ है, सबसे छोटा पॉइंट क्या है माइनस टू फिर 3 है, वो कह रहा है माइनस टू से इन्फिनिटी और ये कह रहा है माइनस इन्फिनिटी से 3, ये कॉमन रीजन क्या हो गया, कॉमन रीजन हो गया आपका माइनस टू से 3, तो आपका आंसर क्या हो गया x बिलोंग्स टू माइनस टू टू 3, ये बी नंबर सॉल्यूशन है। दो बार पूछा जा चुका है सिर्फ निमसेट में 11 में और 19 में, अलग अलग एग्जाम्स में बहुतों बार पूछा जा चुका है, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन पे जरूर से ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ये आपका निमसेट 2012 का क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें आपको कह रहा है x का वैल्यू है log bc ऑन द बेस a, y का वैल्यू log ca ऑन द बेस b, z का वैल्यू log ab ऑन द बेस c, सारे में अगर हम देख रहे हैं ना, तो इसमें यहाँ से देखिए z में यहाँ नंबर में ए बी सी दिया हुआ, ए बी दिया हुआ, c मिसिंग है, y में log ca दिया हुआ, b मिसिंग है, और x में बी सी दिया हुआ है, a मिसिंग है। ठीक, तो यहाँ दिया हुआ है आपका x का वैल्यू log a बेस bc, हम यहाँ पे अगर क्या करें x प्लस वन कर देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा a bc, और ये जो वन है ना, आप इसको कुछ यूँ लिख सकते हैं, बेस और नंबर किसी का सेम होता है तो वैल्यू वन होता है, आप कहिएगा सर ये क्यों लिखे हैं आप, इसको लिखने से फ़ायदा ये होगा कि अब log सेम बेस पे प्लस में हो गया, तो क्या फॉर्मूला होता है, ये log m इंटू n होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा a b c हो जाएगा। ठीक, अगर सिमिलरली हम करें तो y प्लस वन कितना हो जाएगा, इस बार आप क्या कीजिएगा वाई के बदले तो दिया हुआ है log b c a, इस बार आप इसको b बेस बी लिखिएगा, क्यों लिखिएगा सेम बेस पे प्लस है, तो फिर क्या हो जाएगा ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से फिर ए बी सी आ जाएगा। सिमिलरली जेड प्लस वन को आप लिखिएगा सी बेस पर दिया हुआ ए बी,
है ना, प्लस वन है, तो वन को आप फिर क्या लिख लीजिए, लॉग सी ऑन द बेस सी लिख लीजिए। इससे भी क्या हो जाएगा, सेम बेस पे प्लस है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक, अब ऐसा अगर हम ऑप्शन में देखें, सॉरी यहाँ पे पहले आपको रिवर्स करना पड़ेगा। तो नाउ हम क्या करते हैं, वन बाय वन प्लस एक्स प्लस वन बाय वन प्लस वाई प्लस वन बाय वन प्लस जेड का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो x प्लस वन का वैल्यू तो निकाल चुके हैं, जब आप इसको रिवर्स करेंगे, वन बाय x प्लस वन करेंगे तो लॉग भी रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बेस बन जाएगा इसका ए बी सी और नंबर बन जाएगा a, प्लस वन प्लस वाई है ना, वन बाय वन प्लस वाई, तो y प्लस वन का वैल्यू निकाल चुके हैं, इसको रिवर्स कर दीजिए तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, बेस ए बी सी बन जाएगा, नंबर भी हो जाएगा। सिमिलरली z प्लस वन में भी जब रिवर्स करेंगे तो बेस बन जाएगा इसका ए बी सी, नंबर बन जाएगा c, सेम बेस पे प्लस दिया हुआ है तीनों नंबर, तो क्या हो जाएगा, बेस ए बी सी हो जाएगा, तीनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब नंबर और बेस सेम हो गया तो वैल्यू कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है, सी नंबर आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एक्स का वैल्यू दे रखा है लॉग फाइव ऑन द बेस थ्री, वाई का वैल्यू लॉग ट्वेंटी फाइव ऑन द बेस सेवनटीन। पूछ रहा है इसमें से कौन सा करेक्ट है, एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स लेस देन वाई, एक्स लेस देन इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई। ये भी क्वेश्चन जो है आपका निम्न से 2012 का क्वेश्चन, क्लियर। अब इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा करना ये पड़ेगा कि लॉग का वैल्यू याद करना पड़ेगा। जनरली एग्जाम में जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं उसमें लॉग के वैल्यू नहीं दिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको लॉग का वैल्यू थोड़ा सा अगर याद रहेगा, है ना, ज़्यादा नहीं, आपको क्या करना है, 1 से 15 तक एटलीस्ट लर्न कर लेना है, ताकि इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर पाए, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इसका सोल्यूशन। देखिए x जो दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है log 5 ऑन द बेस 3। आप इसको क्या लिख सकते हैं, लॉ ऑफ चेंज ऑफ बेस हम आपको पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। आप क्या कीजिए, 3 है ना बेस, इसको e बेस लिख लीजिए, तो ये e हो जाएगा। क्रॉस क्रॉस में हम बोले थे सेम रखने के लिए, प्रीवियस वीडियो में हम बताए हुए हैं इस चीज़ को, नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप प्रीवियस वीडियोज को देख लीजिए। ये हो जाएगा कितना, लॉग फाइव बेस ई है, आप लिखें या ना लिखें, जब इसको रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, बेस और नंबर एक्सचेंज हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लॉग थ्री, नंबर बन जाएगा, ठीक। अब लॉग फाइव का वैल्यू कितना होता है, 0.60 अपॉन लॉग थ्री का वैल्यू 0.47, ठीक है। आप इसको अब सॉल्व कर लीजिए, तो ये पॉइंट पॉइंट तो ख़त्म हो गया, और ये कितना हो जाएगा आपका, डिवाइड कीजिए तो 47 ये वन टाइम जाएगा, उसके बाद पॉइंट हो जाएगा, कितना रिमेनिंग बच गया, 13, फिर पॉइंट हो गया तो जीरो हो जाएगा, 130, अभी कितना टाइम जाएगा, टू टाइम जाएगा और फिर कितना बचेगा, फिर ये थ्री टाइम जाएगा, ठीक है। बस इसको यहीं तक छोड़ देते हैं, दो पॉइंट तक इतना काफ़ी है। सिमिलरली हम y का वैल्यू निकालते हैं, तो y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है log 25 ऑन द बेस 17। अब ये इसको हम कितना लिख सकते हैं, जैसे इसको हम लॉग चेंज ऑफ बेस से तोड़ रहे हैं, आप इसको भी तोड़ सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा लॉग 25 अपॉन लॉग 17, ठीक है। अब लॉग 25 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं क्या, लॉग 5 का स्क्वायर अपॉन लॉग 17। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 लॉग 5 अपॉन लॉग 17 का वैल्यू कितना हो जाएगा, लॉग 17 का वैल्यू हो जाएगा आपका 1.42, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम ले लिए हैं, आप भी ले सकते हैं। अब 2 लॉग 5 को इंटू कर दीजिए, है ना, लॉग 5 का वैल्यू 0.60 है, ये हो जाएगा 1.42, तो ये मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आप इसको कैंसिल आउट चाहे तो भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 120 अपॉन 142। आप इसको भागा अगर दे देंगे कितना आएगा, 0.9, है ना। आगे का डिजिट आप नहीं भी निकाल सकते, वैसे आप प्रॉपर डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्लियरली हम क्या देख रहे हैं, x का वैल्यू है 1 point something और y का वैल्यू कितना है, 0.9, तो ये आपको क्या शो कर रहा है कि x ग्रेटर देन होगा y से, ये आपका पहला नंबर सॉल्यूशन होगा, है ना, नोट कर लीजिए। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है निम्न से 2012, ठीक है।
इसमें क्या कह रहा है, 2 की पावर a इज इक्वल टू 3 की पावर b इज इक्वल टू 6 की पावर माइनस सी, दैट a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में सॉल्व करने में क्या करना होगा, अगर ये सारे को एक कांस्टेंट नंबर के इक्वल मान लेंगे, अगर कांस्टेंट नंबर के इक्वल नहीं मानेंगे तो हम ए बी सी का वैल्यू नहीं फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, ये आपको पता है, हम बता चुके हैं प्रीवियस वीडियोज में। अगर हम कांस्टेंट वैल्यूज के इक्वल मान लेते हैं तो अब क्या हो जाएगा, 2 की पावर a का वैल्यू k हो जाएगा, 3 की पावर b का वैल्यू भी k हो जाएगा, और 6 की पावर माइनस सी का वैल्यू भी k हो जाएगा। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्या कर सकते हैं, 2 की पावर a इक्वल्स टू k। देखिए हम एक के लिए बता रहे हैं, बाकी सिमिलरली सारे के लिए लिख देंगे, 2 की पावर a इक्वल्स टू k। अब यहाँ से अगर हम a का वैल्यू निकालेंगे ना तो 2 इधर की तरफ शिफ्ट होगा तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, लॉग का ये 2 क्या बनेगा, बेस, ये k क्या बनेगा, नंबर। और इसको हम लॉ ऑफ चेंज ऑफ बेस से कितना लिख सकते हैं, जो अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन में बात कर रहे थे, लॉग के अपॉन लॉग 2। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, लॉग 2 का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो क्रॉस ऑफ कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, लॉग के अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, क्यों कर रहे हैं, अभी सारे का आंसर आपको मिल जाएगा। सिमिलरली अगर 3 to the power b का हम वैल्यू निकालेंगे, 3 to the power b का वैल्यू निकालेंगे तो ये k हो जाएगा, और वैल्यू कितना हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा log k ऑन द बेस 3। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं log k अपॉन log 3। और यहाँ से फिर आप क्रॉस कर दीजिए, है ना, b को आप यहाँ ले आइए, log 3 को यहाँ ले आइए, तो log 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log k अपॉन b। ठीक, अब तीसरा हम लेके चलते हैं, तो क्या दिया हुआ है, ये 6 to the power -c इक्वल्स टू के, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, माइनस सी इज इक्वल्स टू लॉग के बेस, के नंबर है और बेस हो जाएगा इसका 6। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, फिर इसको लिख सकते हैं लॉग के अपॉन लॉग 6, और लॉग 6 को कितना लिख सकते हैं, 2 into 3 लिख सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा लॉग के अपॉन 2 into 3, तो किसका फॉर्मूला हो जाएगा, लॉग एम प्लस लॉग एन का, लॉग 2 प्लस लॉग 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लॉग 2 प्लस लॉग 3 इज इक्वल्स टू सी क्या आ जाएगा, माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग के अपॉन सी। लॉग 2 का वैल्यू देखिए हम निकाल चुके हैं पहले ही, क्या है ये, ये है लॉग के अपॉन ए, इसका वैल्यू लॉग 3 का वैल्यू कितना निकाले हैं, लॉग के अपॉन बी, तो लॉग के अपॉन बी इज इक्वल्स टू माइनस लॉग के अपॉन सी। अगर हम दोनों में कॉमन ले लेंगे तो लॉग ए क्या है आपका, लॉग के क्या है, कॉमन है आपका, और यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास फाइनल क्या बच जाएगा, आपके पास बच जाएगा 1 by a + 1 by b, है ना, इज इक्वल्स टू माइनस 1 by c। ठीक है, अब आप यहाँ पर आ जाइए, इसको भी आप इस तरफ ले आइए, तो क्या हो जाएगा 1 by a + 1 by b + 1 by c इज इक्वल्स टू 0। और आप एलसीएम जब ले लेंगे तो होल का एलसीएम क्या आएगा, ए बी सी, ऊपर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी इज इक्वल्स टू 0। तो किसी का डिनोमिनेटर तो 0 होगा ही नहीं, मैथ में तो डिफाइन ही नहीं होता है, तो न्यूमरेटर को ही 0 होना पड़ेगा, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या हो जाएगा 0। वही चीज़ आपको निकालने के लिए यहाँ पे कह रहा था, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, लॉग वाई ऑन द बेस एक्स इक्वल्स टू 100 एंड लॉग एक्स ऑन द बेस 2 इज इक्वल्स टू 10, देन द वैल्यू ऑफ वाई पूछ रहा है। ये आपका क्वेश्चन है निम सेट 2013 का, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, इसमें करना कुछ नहीं है, बस लॉ का जो बेसिक डिफिनीशन है आप उसका यूज कर लेंगे। ये 100 दिया हुआ है एंड लॉग एक्स ऑन द बेस 2 इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप वाई का वैल्यू निकालेंगे तो एक्स इधर की तरफ शिफ्ट होगा, एक्स बेस बन जाएगा और ये आपका नंबर बन जाएगा, ये पावर बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालेंगे, सिमिलरली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 10। अब x का जो वैल्यू 2 की पावर 10 आया है ना, आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। क्यों पुट करेंगे, क्योंकि आपसे क्या बोल रहा है निकालने के लिए, y का वैल्यू, y का वैल्यू आपका यहीं पे है, तो x का वैल्यू कितना है 2 की पावर 10, और ये फिर कितना हो जाएगा, ये 100 पहले से दिया हुआ, ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, ये 1000, जो सी नंबर आपका क्वेश्चन है। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, आपको आई थिंक समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपको निम सेट 2013
14 में पूछा जा चुका है, ठीक है। ये दिया हुआ a इक्वल टू लॉग 18 ऑन द बेस 12, b इज इक्वल टू लॉग 54 ऑन द बेस 24, देन ए बी प्लस 5 इंटू ए माइनस बी का वैल्यू निकालना है। ये काफ़ी है ना लेंथी क्वेश्चन है, तो आप क्या करेंगे बारी बारी से वैल्यू निकालने की हम कोशिश करते हैं। 18 दिया हुआ, आप इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 2, ठीक। 12 है, इसको लिख सकते हैं आप 2 का स्क्वायर इंटू 3, ठीक है। अब इसको लॉ ऑफ चेंज ऑफ बेस से क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर इंटू 2 अपॉन लॉग 2 स्क्वायर इंटू 3। लॉ ऑफ चेंज ऑफ बेस हम बता चुके हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में बताए थे। अब ये दोनों नंबर आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, है ना। तो पहला क्या हो जाएगा, लॉग 3 स्क्वायर प्लस लॉग 2, 3 स्क्वायर है तो इसको हम ऐसे लिख दें क्या, 2 लॉग 3 प्लस लॉग 2। नीचे सिमिलरली क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2 लॉग 2 प्लस लॉग 3, ठीक है। इसको यहीं रखने देते हैं, अब रहने देते हैं। b इज इक्वल्स टू, हम इसको अब तोड़ते हैं, ये हो जाएगा log 54 है और ये 24 है, 2 और 3 के टर्म में पूरा तोड़ लीजिए तब आपका सॉल्यूशन आसानी से हो जाएगा। ये 54 है ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 54 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब इंटू 2, और 24 है, 24 को आप क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 3, 8 इंटू 3 24 हो जाएगा, ठीक है। अब सिमिलरली जैसे ये लिखे हैं वैसे ही इसको भी लिख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log 3 का क्यूब इंटू 2 अपॉन log 2 का क्यूब इंटू 3। अब ये हो जाएगा 3 log 3 प्लस log 2, जैसे ऊपर वाला लिखे हैं सेम हम लिख रहे हैं इसको भी। ये क्या हो जाएगा, 3 log 2 प्लस log 3। आपसे ए बी प्लस 5 इंटू ए माइनस बी का वैल्यू पूछा, आप एक काम कीजिए, आप काम ये कीजिए यहाँ से ज़ूम कर लीजिए, एक्स इज इक्वल टू लॉग 2 और वाई इज इक्वल टू लॉग 3, ठीक है। इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आसानी से। तो पहला क्या हो जाएगा, 2 लॉग 3 को क्या माने, वाई माने, तो 2y प्लस लॉग 2 को क्या माने, एक्स, 2y प्लस एक्स अपॉन 2 log 2, है ना। तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस log 3 है, इसको y माने हैं। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, log 3 को आप क्या मान रहे हैं, y मान रहे हैं, log 2 को आप x मान रहे हैं, 3 log 2 तो 3, और log 2 को आप क्या मान रहे हैं, x मान रहे हैं, 3x प्लस log 3, log 3 को आप y मान रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक अब देखिए इजीली सॉल्यूशन इसका हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है ए बी प्लस 5 इंटू ए माइनस बी, इसका वैल्यू निकालना है। ए बी, ए का तो वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इंटू करके ये देना है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 2y प्लस एक्स अपॉन 2x प्लस वाई इंटू 3y प्लस एक्स अपॉन 3x प्लस वाई प्लस 5 इंटू ए माइनस बी है, ए का वैल्यू आपका 2y प्लस एक्स अपॉन 2x प्लस वाई माइनस 3y प्लस एक्स अपॉन 3x प्लस वाई। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा तब ये क्वेश्चन इजीली बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से करेंगे तो ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई, ऊपर वाला भी दोनों मल्टीप्लाई होगा, इसका जैसा वैल्यू निकाल लीजिए। वैल्यू अगर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6y स्क्वायर प्लस यहाँ से हो जाएगा 2xy प्लस 3xy, तो 5xy हो गया, प्लस x को जब x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये आपका पहला फैक्टर हो गया, प्लस 5 इंटू, जब यहाँ पे करेंगे तो प्लस 5 इंटू LCM आपका कितना हो जाएगा, LCM हो जाएगा ये 2x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई, है ना। यहाँ पे 2x प्लस वाई तो है ही है, तो 3x प्लस वाई से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 32 जा 6xy, ठीक है, प्लस xy 7xy, मल्टीप्लाई आपको आता है आप कर लीजिएगा इजीली,
फिर 2y को इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 2y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इसका इससे भी हो गया। अब कौन सा होगा, एक बार 3x का x से होगा, तो ये आपका प्लस 3x स्क्वायर हो गया, माइनस है तो माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या है, 3x प्लस y दिया हुआ है, तो 2x प्लस y से इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 2x प्लस y से करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, 3 × 2 = 6xy प्लस एक्स वाई, तो 7xy, लेकिन ये कितने हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा 7xy, ठीक है, 7xy आपका माइनस में हो गया। फिर से क्या हो जाएगा, ये माइनस 3y² माइनस 3y² हो जाएगा और माइनस 2x² हो जाएगा, क्लियर। यहाँ तक आप नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्यूशन इसका निकलता है। चलिए आगे देखते हैं, तो ये 7xy तो कट गया, ठीक है, तो आपका कितना आपके पास फाइनल बच जाएगा यहाँ से, तो ये टर्म रहा है, ये टर्म आपके पास रहा है 2x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई, और ऊपर में है आपके पास कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 6y² प्लस ये 2y² में से 3y² माइनस हो जाएगा, तो माइनस y² और 3x² में से x² चला गया, तो x² प्लस में बच जाएगा, है ना। यहाँ 5 कितना बच गया, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो 5x², यहाँ से माइनस y² बचा था, तो माइनस 5y² अपॉन, नीचे तो सेम हो जाएगा, 2x प्लस 2x प्लस y इंटू 3x प्लस y, होल का तो नीचे LCM सेम है आपका, तो ये हो जाएगा 2x प्लस y इंटू 3x प्लस y, ऊपर आपका क्या हो गया, x² प्लस 5xy प्लस 6y² प्लस 5x² माइनस 5y², ठीक है, तो 5x² प्लस x² ये क्या बच गया आपके पास, 6x², xy वाला टर्म नहीं है, तो प्लस 5xy प्लस 6y² माइनस 5y², तो y² हो जाएगा अपॉन 2x प्लस y। आप एक काम कीजिए, नीचे भी आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, नीचे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x², जब आप 2x को y से करेंगे तो 2xy प्लस 3xy, तो ये कितना आ जाएगा, 5xy आ जाएगा, और जब आप y को y से करेंगे तो y² आ जाएगा, ये सिमिलर टर्म आपका आ गया, तो आपका आंसर 1 हो गया, ठीक है। काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन आपका स्किप हो जाएगा, है ना। जबकि लॉ का क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है जनरली, ये 1-2 साल कभी कभार पूछा गया क्वेश्चन है, जनरली पूछता नहीं है, लॉ का क्वेश्चन एकदम सिंपल ट्रिकी क्वेश्चन रहता है, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन आपका निमसेट 2014 में पूछा जा चुका है, निमसेट 2014 का क्वेश्चन है, काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप क्वेश्चन को ईजिली स्किप कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम ले लेगा ये क्वेश्चन सॉल्व होने में, सॉल्व होने का तो हो ही जाएगा लेकिन टाइम बहुत ले लेगा ये, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप स्किप कर दीजिएगा, फिलहाल हम सॉल्यूशन देखते हैं इसके, ठीक है। कह रहा है कि x0, y0 इज द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन 2x⁻ ये ln दिया हुआ है, ln का मतलब क्या, log दिया हुआ किस बेस पर, e बेस पर, = 3y⁻ln3 एंड 3⁻ln x = 2⁻ln y, x0, y0 इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे x को x नॉट से लिख लेते हैं, x0 से, ये हो जाएगा ln2 = 3, इसको y नॉट से लिख लेते हैं क्योंकि इसका ये सॉल्यूशन गिवन है हमारे पास, ये log3 हो जाएगा, ठीक है। अब log को अगर नीचे हम लाते हैं तो मेरे पास एक ही तरीका है, क्या तरीका है, log ले लेंगे, किस पर, दोनों तरफ log ले लेंगे, किस बेस पर, चूँकि ये आपका e बेस पर दिया हुआ है, ln दिया हुआ है, तो आप यही बेस पर log ले लीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, है ना, जब आप log लेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, तो ln2 ये आपका नीचे आ गया, और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ln, ये हो जाएगा आपका ln 2x0 = जब इधर लेंगे,
है ना, तो इधर दोनों नंबर इन टू में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एल एन थ्री प्लस ये, फिर पावर नीचे आ जाएगा है ना, कुछ ऐसे हो जाएगा, आप लिख लीजिए बारी बारी से, वाई नॉट ये एल एन थ्री हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका एल एन टू, और जब आप इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा एल एन टू, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लीकेशन है, एल एन टू प्लस एल एन एक्स नॉट हो जाएगा, और इधर जब आप तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, बार बार लॉग लिखने का प्रैक्टिस है इसीलिए लॉग लिखा जा रहा है, ये लॉग एल एन थ्री, और ये नीचे आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा एल एन थ्री इंटू एल एन वाई नॉट, ठीक है। अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा एल एन टू का स्क्वायर, आप इसको ब्रैकेट ना समझे, ये एल एन लिखा हुआ ये बेस पर, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो इसका स्क्वायर हो गया, प्लस जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया एल एन टू, और यहाँ से क्या हो गया एल एन एक्स नॉट, ठीक है। आप इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस एल एन थ्री इधर आ जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा इधर एल एन थ्री इंटू एल एन वाई नॉट, और अगर हम यहाँ से एल एन वाई नॉट का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एल एन टू का स्क्वायर प्लस एल एन टू इंटू एल एन एक्स नॉट माइनस एल एन थ्री अपॉन, यहाँ से अगर इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, वही चीज़ हम लिख रहे हैं, ये एल एन थ्री से डिवाइड लग जाएगा। ये तो पहला पार्ट हो गया क्वेश्चन का, अब आप इस पार्ट को लेके सॉल्व कीजिए, फिर इधर भी आप दोनों तरफ क्या कीजिएगा लॉग ले लीजिएगा, किस बेस पर, ई बेस पर, तो फिर ये पावर है तो पावर नीचे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल एन एक्स इंटू एल एन एक्स इंटू एल एन थ्री इज इक्वल्स टू एल एन वाई इंटू एल एन टू, ठीक है, और x0 y0 सॉल्यूशन है तो आप इसको x0 y0 ही लिख लीजिए, क्लियर। अब ये क्या हो जाएगा ln y0 इज इक्वल्स टू, तो ln 2 से इधर डिवाइड लग जाएगा, ये हो जाएगा ln x0 इंटू ln 3 होल अपॉन, ये 2 इधर आके डिवाइड लग जाएगा तो ln 2 हो जाएगा, ठीक है। ln y0 का आप वैल्यू यहाँ से निकाल चुके हैं, आप यहाँ से इसको पुट कर दीजिए, जब आप पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा ln 2 का स्क्वायर प्लस एल एन टू इंटू एल एन एक्स नॉट माइनस एल एन थ्री होल अपॉन एल एन थ्री इज इक्वल्स टू एल एन एक्स नॉट इंटू एल एन थ्री होल अपॉन एल एन टू। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, लेंथी क्वेश्चन है काफ़ी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब आप सिंप्लीफाई इसको करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1 बाय 2 जो आपका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, हम रिमेनिंग सॉल्यूशन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बोर्ड है ना खत्म हो रहा है, साइज इसका है नहीं यहाँ पे, ठीक है, तो आप कर लीजिए। अगर किसी से सॉल्यूशन नहीं होगा तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, हम आपको उसका सॉल्यूशन कमेंट में करके बता देंगे। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका निम सेट 2015 का क्वेश्चन है, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है ये। ये क्या दिया हुआ है, एक्स वाई जेड आपका थ्री कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, कंसेक्यूटिव है, कंसेक्यूटिव मतलब क्या, लगातार नंबर है, ठीक है, एक्स वाई जेड, तो आपका यहाँ से वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर लगातार नंबर है जैसे 2, 3, 4 तो 3 का वैल्यू कैसे निकलेगा, 2+1 है ना, 4 को आप कैसे लिख सकते हैं 2+2, तो यहाँ से सिमिलरली वाई को क्या लिख सकते हैं x+1 और जेड को आप क्या लिख सकते हैं x+2। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, तो पूछ रहा है किसका वैल्यू, लॉग 1 प्लस एक्स जेड का वैल्यू, इसको लिख सकते हैं लॉग 1 प्लस एक्स, तो एक्स ही है, और जेड को हम क्या लिख सकते हैं x+2 लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा लॉग 1 प्लस, तोड़ दीजिए इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और ये कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1, मतलब इसको कितना लिख सकते हैं हम x+1 का होल स्क्वायर, नंबर का पावर है तो ये बाहर चला आएगा पावर, तो 2 इंटू x+1, और x+1 किसका वैल्यू है, y का वैल्यू है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 log y आपका डी नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, ये आपका निम से 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये वैसे अगर आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे उसमें भी ये क्वेश्चन किया हुआ है, बट फिर भी हम बता देते हैं।
इसमें क्या क्लू दिया हुआ है, सारे लॉक का देखिए नंबर क्या है आपका, सेम है। अगर आप रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, सारे लॉक का बेस सेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 बेस में आपका क्या हो जाएगा 2 और नंबर में x हो जाएगा, इनटू दिया हुआ है ब्रैकेट में, हम इसको लिख लेते हैं। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस में 2 और यहाँ हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू, इधर भी रिवर्स कर दीजिए आप तो 1/2 क्या हो जाएगा, बेस में 2 हो जाएगा और नंबर में 4x हो जाएगा, ठीक है। और आगे आप लिखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ 2x लिखा हुआ, नंबर मल्टीप्लाई है तो आप उसको कुछ यूँ भी लिख सकते हैं, लॉग एक्स ऑन द बेस 2 हो गया इनटू, अगर आप यहाँ पे लिखेंगे तो लॉग 2 प्लस लॉग एक्स ऑन द बेस 2 क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, प्लस लॉग एक्स ऑन द बेस 2 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/2, इधर आप तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग 2 और 4 दिया हुआ, 4 को आप क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 log 2 on the base 2, तो ये ओनली 2 बचेगा, प्लस जब आप इधर लिखेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log, ये आपका हो जाएगा log x on the base 2, क्लियर। अब आप यहाँ से क्या कीजिए ना, इसको कुछ एज्यूम कर लीजिए तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे हम एज्यूम कर लेते हैं, ए एज्यूम कर लेते हैं log x on the base 2 को, नाउ रिमेनिंग आपका होल इक्वेशन जो है क्या बन जाएगा, a इंटू 1 + a इज इक्वल्स टू 1/2 + a, आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 2 + a इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 1 और ये आपका हो गया a स्क्वायर, इधर आप ले आइए a स्क्वायर माइनस a माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, फैक्टराइज कर लीजिए इसको तो कितना हो जाएगा, सॉरी ए स्क्वायर प्लस ए होगा, यहाँ मिस्टेक हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए होगा यहाँ, तो ए से ए आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ए से ए आपका कैंसिल आउट हो गया, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ, ए ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस √2 हो गया, और ए आपका किसका वैल्यू है ना, लॉग एक्स ऑन द बेस 2 का वैल्यू क्या एज्यूम किए थे, ए का वैल्यू कितना निकला है, ये निकला है प्लस माइनस √2, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, इधर शिफ्ट करेगा तो 2 की पावर ± √2, मतलब 2 की पावर −√2, 2 की पावर + √2, ये आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है ना। तो ये भी काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, ये फर्स्ट नंबर आपका सॉल्यूशन होगा, क्लियर, नोट कर लीजिए। चलिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका निम सेट 2016 का क्वेश्चन है, और इसमें जो ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन गलत दिया हुआ, डी नंबर ऑप्शन जो है ये गलत दिया हुआ, ठीक है। आप सॉल्यूशन करेंगे, एक्स का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, एक्स का वैल्यू कुछ और निकलेगा, गलत क्या क्या हुआ, ये बेस में देखिए 3 है, नंबर भी 3 कर दिया, जबकि नंबर में यहाँ पे 2 अगर दे देता तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है ना, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन में ये मिस्टेक कर दिया, मिसप्रिंट हो गया, ये 3 दे दिया, इसका आपका ऑप्शन गलत हो गया। हर साल निमसेट में 1-2 क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसमें या तो डेटा इनसफिशियंट कर देगा या तो ऑप्शन में गलत कर देगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करते समय जरा सावधानी बरतिएगा इस चीज़ पर, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 की पावर x = 4 की पावर x - 1, पावर को नीचे लाने का एक ही तरीका, लॉग ले लेंगे है ना, तो कितना हो जाएगा x log 3 = ये कितना हो जाएगा x - 1 log 4, क्लियर। अब ये क्या हो गया, ये हो गया x log 3 = मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x log 4 - log 4, log 4 है ना, आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, बट अभी नहीं लिखिए, ठीक है, आप इसको लिख दीजिए, इसको 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा x log 4 हो जाएगा माइनस ये 2 log 2 हो जाएगा, या 4 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर तो 4, तो 2 बाहर आ जाएगा आपका 2 log 2 हो जाएगा। आप x वाले को एक तरफ ले आइए क्योंकि x का वैल्यू आपको निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 2 log 2 = x कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा log 4 - log 3, एक स्टेप और आप कर सकते हैं, यहाँ से log 4 को क्या लिख सकते हैं फिर 2 का स्क्वायर, तो ये आपका कितना हो जाएगा 2 log 2 - log 3, सो x = कितना, इधर ला के आप डिवाइड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 log 2
अपॉन 2 log 2 माइनस log 3। अब जितना भी ऑप्शन देख रहे हैं ना, सारे में क्या दिया हुआ, log दिया हुआ 3 बेस पर। सारे ऑप्शन में देखिए log 3 बेस पर, इसमें भी log 3 बेस पर है, लेकिन यहाँ पे किस बेस पर है, log का बेस दिया हुआ नहीं है। आप क्या कीजिए, log 3 से नोमिनेटर में डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दीजिए आप। जब आप log 3 से डिवाइड करेंगे ना, तो पता है क्या हो जाएगा, ये ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना। log 2 का नंबर और 3 का बेस बन जाएगा। कैसे होगा, तो आपको हम बताए हुए थे लॉ ऑफ चेंज ऑफ बेस, उसी से होगा। अभी हम करके आपको बता देते हैं। यहाँ जब आप कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 log 2 ऑन द बेस 3, और जब यहाँ पे कीजिएगा तो बेस और नंबर सेम हो जाएगा, तो वैल्यू 1 हो जाएगा, है ना। अब डी ऑप्शन से मैच कीजिए, यहाँ पे नंबर में 2 आ रहा बट यहाँ पे 3 दिया हुआ, इसीलिए आपका ऑप्शन मिसमैच हो गया। आपका करेक्ट आंसर ये होगा, ठीक। अब देखिए क्या हम बता रहे हैं, जैसे आप log 2 में अगर डिवाइड करते हैं log 3 से, बेस नहीं दिया हुआ है तो आप ई बेस समझ लीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, log 2 ई बेस, और जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर और बेस एक्सचेंज कर जाता है। तो अभी नंबर है 3, बेस है ई, तो यहाँ नंबर ई हो जाएगा, बेस 3 हो जाएगा, क्रॉस क्रॉस में सेम है। तो आप क्या कीजिए, दोनों लेग को log को एक साथ लिख लीजिए, यहाँ पे नंबर हो जाएगा 2 और बेस कितना हो जाएगा 3, वही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये आपका पूछा जा चुका है निम्सेट 2018, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन IIT भी काफ़ी रिपीट करता है। एक क्वेश्चन हम आपको लेक्चर में बताए हुए थे इस टाइप का, ठीक है। आप देखिएगा यहाँ पे एक टर्म है जो बार बार रिपीट कर रहा है, क्या टर्म है, 1/√2 फिर ब्रैकेट में है, 1 - 1/√2 फिर ब्रैकेट में है ना, अंडररूट में, सॉरी। ये क्वेश्चन है आपका 6 + log 1/√2 बेस है 1/4 फिर अंडर रूट 1 - 1/√2। ये सीरीज आपको जनरेट कर रहा है, यहाँ से जो टर्म रिपीट हो रहा है ना उसको आप किसी एक वेरिएबल के इक्वल मान लीजिए, जैसे 1/√2 को मान लिए हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 1 - फिर यही सेम चीज़ आपका, देखिए यहाँ से आगे तक सेम चीज़ रिपीट कर रहा है, कहाँ तक, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में से अगर आप एक निकाल भी लीजिएगा फिर भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख लेते हैं, इसको एक्स ही लिख लेते हैं। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए ताकि ये रूट खत्म हो जाए, स्क्वायर कीजिएगा तो x² = 1/2, इधर 1 - x बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो 2x² = 1 - x, तो ये हो जाएगा 2x², इसको इधर ले आइए, +x - 1 = 0, और आप फैक्टोराइज करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x² + 2x - x - 1 = 0, 2x कॉमन आ गया, x + 1 - 1 कॉमन आ गया, x + 1 = 0, तो फैक्टर आ गया आपका 2x - 1, और दूसरा फैक्टर आ गया x + 1 = 0, देयरफोर x का जो वैल्यू है -1 आ जाएगा और 1/2 आ जाएगा। अब देखिए ये जो नंबर है ना जिसको आप x एज्यूम करें हैं, ठीक है, वो क्या है, log का नंबर है। log का नंबर क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, log नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइंड नहीं होता है, इसीलिए -1 को क्या करेंगे, हम एक्सक्लूड कर देंगे, -1 को हम नहीं लेंगे, ठीक। अब हम अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 + log, ये बेस है 1/4 और नंबर में क्या है 1/√2, जिसको आप x एज्यूम कर रहे थे, इसको सॉल्व करके हम लाए हैं तो ये 1/2 ही आया है, ठीक है। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आप ये लिख सकते हैं 2 - -1, 1/4 है, 4 - -1 इसको लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 + नंबर का पावर है तो डायरेक्टली बाहर निकलता है, बेस का पावर है तो 1 बाय करके निकलता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, log 2 बेस 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा आप एक काम इसको ये कर लीजिए ना, एक स्टेप आप इसको और लिख लीजिए, इसको आप लिख लीजिए 6 + log 2 - 1, ये 4 है ना, तो 2 का स्क्वायर लिख लीजिए तो 2 - 1 हो जाएगा, ठीक है। इससे आपका होगा क्या, यहाँ से तो -1 बाहर निकला और बेस में पावर -2 है तो -2 यहाँ से बाहर निकलेगा, ये -+ हो जाएगा, और ये log का नंबर और बेस सेम हो जाएगा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब आपका क्या बचा, 6 + 1/2, LCM आप ले लीजिए तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 + 1, ये हो आपका हो जाएगा 13/2 आपका बी नंबर सॉल्यूशन है, क्लियर।
आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप क्वेश्चन को आराम से नोट कर लीजिए। चलते चलते अगर मीडिया वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।